दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल की बल्लेबाजी और मोहित शर्मा की गेंदबाजी को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुजरात के फाइनल में पहुंचने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने किया गुजरात की टीम को मालामाल। जी हां दोस्तों, गुजरात ने मुंबई को 62 रन से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। ऐसे में गुजरात के फाइनल में पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चुनिंदा खिलाड़ियों को उनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मालामाल कर दिया और इनाम स्वरूप उन्हें इतनी भारी भरकम रकम दे डाली है जिसकी कीमत देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिरकार गुजरात के फाइनल में पहुंचने के साथ नरेंद्र मोदी ने किन किन खिलाड़ियों को मालामाल किया ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मोहित शर्मा और शुभमन गिल में गेंदबाजी या फिर हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड प्रदर्शन किसकी वजह से ये टीम जीत पाई है? दोस्तों, आईपीएल 2023 का दूसरा क्वालिफायर और सेमीफाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर गुजरात और मुंबई के बीच खेला गया, जहां पर गुजरात ने मुंबई को 62 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में गुजरात की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई और पहले बल्लेबाजी करते हुए 233 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिया, जहां पर शुभमन गिल ने सर्वाधिक 60 गेंदों पर 129 रन की पारी खेली। तो वहीं सुदर्शन 43 और हार्दिक पांड्या ने 28 एक विकेट लिया। तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम 18.2 ओवर में 171 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जहां पर मुंबई के लिए ग्रीन ने 30 और तिलक वर्मा ने 43 रन का योगदान दिया। तो वहीं सूर्या ने सर्वाधिक 38 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। गुजरात के लिए मोहित शर्मा ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए, राशिद खान और मोहम्मद शमी को 2-2 विकेट मिले और लिटिल को 1 विकेट मिला। ऐसे में 62 रन से जीत के साथ गुजरात फाइनल में पहुंचा। इसी दौरान जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने खुश होकर गुजरात के खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मालामाल किया, जिसमें नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले शुभमन गिल को 60 गेंदों पर 215 के स्ट्राइक रेट के साथ 7 चौके और 10 छक्कों की मदद से 129 रन की पारी खेलने और मैन ऑफ द मैच बनने के कारण 10 करोड़ रुपए नकद इनाम देने का ऐलान किया। तो वहीं गेंदबाज मोहित शर्मा को 2.2 ओवर में मात्र 10 रन देते हुए 4.3 के इकोनॉमी से 5 विकेट लेने के लिए 5 करोड़ रुपए का नकद इनाम दिया है। और ऐसे में कप्तान हार्दिक पांड्या को 13 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 28 रन बनाने के बाद पारी खेलने के लिए और गेंदबाजी में 2 ओवर के लिए अंदर 24 रन देने के लिए और बेहतरीन कप्तानी करने के लिए 5 करोड़ रुपए नकद इनाम देने का ऐलान किया है और इसी तरीके से आगे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है गुजरात की टीम फाइनल में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।